हाय गाइस, सुशांत है यहाँ पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप इंडिया में हैं तो आपको कहाँ से सप्लीमेंट्स खरीदने चाहिए और कहाँ से नहीं खरीदने चाहिए। आज के टाइम में सप्लीमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेक मतलब नकली माल निकलता है, क्योंकि सप्लीमेंट्स में मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। लोगों को पता नहीं होता, पता नहीं चलता क्या असली है क्या नकली है, तो लोग आसानी से खरीद लेते हैं। लोग मतलब मिसगाइड हो जाते हैं, लोगों को जो कह देता है असली है उसकी मान लेते हैं, क्योंकि लोगों को कुछ तरीका नहीं पता ना पता करने का कि क्या असली है क्या नकली है। और सप्लीमेंट्स होते हैं 5,000 के, 7,000 के, प्रोटीन पाउडर के एक डब्बा, 4,000 का, 3,000 का, 7,000 का, तो इनमें मार्जिन भी बहुत होता है, तो इसमें नकली माल भी बहुत निकलता है। और इंडिया में अभी फिटनेस बढ़ रही है तो सप्लीमेंट्स की डिमांड भी बढ़ रही है, तो जो नकली बनाते हैं उनको पैसे कमाने का मौका भी बहुत मिलता है। तो अभी हम देखेंगे कि हमें सप्लीमेंट्स कहाँ से लेने हैं और कहाँ से नहीं लेने हैं। सप्लीमेंट्स हमें यहाँ से नहीं लेने। अगर आपके जिम सप्लीमेंट्स बेचता है, आपके जिम के ट्रेनर सप्लीमेंट बेचते हैं, वो ट्रेनर आपको कहेगा कि मैं आपको 1,500-2,000 रुपये सस्ते में दिला दूंगा जो मार्केट की प्राइस है उससे, या वो जिम आपको कहेगा कि हम आपको इतने सस्ते में दे देंगे, आपको वहाँ से सप्लीमेंट नहीं खरीदना है। ज़्यादातर या लगभग हर बार वो नकली होते हैं, काफ़ी बार वो नकली होते हैं। ऑनलाइन जो वेबसाइट्स है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, शॉपक्लूज, पेटीएम, ये जो वेबसाइट्स है जहाँ पे सेलर बेचते हैं, मतलब जैसे मैं चाहूँ तो मैं जाकर के फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर करके अपना अकाउंट बना करके वहाँ पे अपने प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, जहाँ पे सेलर बेचते हैं वहाँ से हमें नहीं ख़रीदना। और इन सारी साइट्स पे सेलर बेचते हैं, क्योंकि वो जो सेलर है वो नकली बेच रहे हों या नहीं हों हमें पता नहीं है, वो नकली बेच रहे होते हैं काफ़ी बार, तो इन वेबसाइट्स पर हमें नकली माल मिल जाता है। जो लोकल दुकानें हैं, जैसे आप दिल्ली में जाओगे तो ऐसी बहुत लोकल दुकानें मिल जाएंगी आपको जहाँ पे सप्लीमेंट बेचे जाते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोकल दुकानों पे नकली माल बेचा जा रहा होता है, क्योंकि उसमें असली कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसमें जितना मार्जिन है उससे काफ़ी ज़्यादा मार्जिन जो नकली मतलब उस कंपनी का जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है उसमें है, तो वह लोकल दुकानों वाले ज़्यादा मार्जिन के लालच में नकली प्रोडक्ट भी बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। अब आप ऐसे समझो कि मैं असली कंपनी हूँ, मैं 7,000 का एक प्रोटीन पाउडर का डब्बा बनाती हूँ, वो डब्बा अगर आपको आपके जिम का ट्रेनर या कोई दुकान वाले गए कि मैं आपको 5,000 में दे दूँगा, तो आप सोचोगे मेरे 2,000 रुपये बच रहे हैं। उस 5,000 के डब्बे को उसने 3,000 रुपये में ख़रीदा है और वो नकली डब्बा बनाने में 500 रुपये भी नहीं लगे, तो जिसने बनाया है उसने 2,500 रुपये कमा लिए, जो दुकान वाला बेच रहा है उसने 2,000 रुपये कमा लिए और आपको लगा मेरे 2,000 रुपये बच रहे हैं तो आपने वहाँ से खरीद लिया। मार्जिन बहुत ज़्यादा है इसलिए लोग ऐसा करते हैं। तो हमें जिम से या जिम के ट्रेनर से या ऑनलाइन साइट जहाँ पे सेलर बेचते हैं, जहाँ पे कोई खुद अपना सामान बेच सकते हैं, वहाँ से नहीं खरीदना, हमें लोकल दुकानों से नहीं खरीदना। इनमें जो नकली प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें काफ़ी बार चीप स्टीरॉयड होता है, चीप ड्रग्स होते हैं, जिसके कारण आपको कई बार ऐसा एकदम जल्दी से रिजल्ट दिखने लग जाएंगे, तो आपको लगेगा अरे ये तो प्रोटीन पाउडर बहुत बढ़िया है या फिर ये जो मैं सप्लीमेंट ले रहा हूँ बहुत बढ़िया, इससे बहुत जल्दी रिजल्ट आ रहा है, बहुत जल्दी असर दिख रहा है। ऐसा सोचेंगे आप, इसलिए वो लोग चीप ड्रग्स डाल देते हैं या ड्रग्स डाल देते हैं जो कि आपकी बॉडी को नुकसान करते हैं, इसलिए हम ये नकली प्रोडक्ट्स नहीं खाना चाहते। इनमें कुछ भी पाउडर दिखाना है, पाउडर दिखाने के लिए कुछ भी पाउडर जैसा मिला दिया आपके शरीर में जाके वो कुछ भी नुकसान कर सकता है आपको, इसलिए हम डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स नहीं खाएंगे। हम कहाँ से खरीद सकते हैं? देखो मैं जहाँ से खरीदता हूँ और जो इस टाइम पे मेरी जानकारी में जो जगहें हैं वो है healthcard.com, newlife.com, ये नकली प्रोडक्ट्स नहीं बेचते हैं। इनके रिटेल स्टोर्स भी होते हैं, मतलब इनकी दुकानें भी होती हैं, इनकी जैसे दुकान होगी वहाँ पे आपको हेल्थ कार्ड मिल जाएगा, न्यू लाइफ मिल जाएगा, और वहाँ से भी खरीद सकते हैं। मैं ऑनलाइन ही खरीदता हूँ क्योंकि इनके स्टोर्स हर शहर में नहीं होते। healthcard.com का जैसे खुद का एक ब्रांड है मसल प्लेस, तो ज़रूरी नहीं है आप healthcard.com से खरीद रहे हो तो मसल प्लेस ही खरीदो। आपको जिस भी ब्रांड का खरीदना है, चाहे वो US की ब्रांड हो, आपको जिस भी ब्रांड का खरीदना है आप उसी का खरीदो, लेकिन इन वेबसाइट्स पर उन ब्रांड्स का नकली माल नहीं मिलता है जितना फिटनेस इंडस्ट्री में माना जाता है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। myprotein.co.in, myprotein ने अभी थोड़े टाइम पहले इंडिया में खुद को लॉन्च करा था, तो myprotein काफ़ी टॉप लेवल ब्रांड मानी जाती है, इसके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं।
आप इसी की वेबसाइट से खरीदोगे तो आपको इंडिया के हिसाब से भी सस्ता पड़ेगा, इंडिया में जो इंडियन ब्रांड्स बना रही है कई प्रोडक्ट्स इसके, उससे भी सस्ते मिल जाएंगे आपको। और ये टॉप लेवल की ब्रांड है तो इसके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं और आपको इंडिया में इंडिया के रेट के हिसाब से भी अच्छे सस्ते मिल रहे हैं। बस इसमें ऐसा है कि यूएस से आता है उसमें 30-40 दिन लग जाते हैं करीब, कम से कम 25 दिन लगते हैं, ज़्यादा मतलब लगते हैं करीब 20-25 दिन तो लगते हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा पहले ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन ये अच्छा ऑप्शन है, मैं मोस्टली यहाँ से लेता हूँ। और जो मुझे माय प्रोटीन में नहीं मिलता है या फिर मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे जो वेजिटेरियन प्रोडक्ट माय प्रोटीन में नहीं मिलते वो मैं हेल्थ कार्ड या न्यू लाइफ से उनके दूसरी कंपनीज के जो वेजिटेरियन ऑप्शन है वो ले लेता हूँ। एक और तरीका है ऑफिशियल इम्पोर्टर से खरीदने का, जैसे मान लो माय प्रोटीन ब्रांड है, अल्टीमेट न्यूट्रिशन ब्रांड है या मसल टेक ब्रांड है, इनके ऑफिशियल इम्पोर्टर होते हैं। ये मान लो यूएस से बन के आ रहा है या यूरोप से बन के आ रहा है, तो इन ब्रांड्स की वेबसाइट होगी, आप गूगल पे सर्च करोगे, मान लो माय प्रोटीन सर्च करोगे तो उसकी वेबसाइट मिल जाएगी आपको, मान लो उसकी यूरोप की वेबसाइट मिल गई, उस पर एक जगह होगी जहाँ पे ज़्यादातर होती है जहाँ पे ऑफिशियल इम्पोर्टर्स का नाम मेंशन किया होता है, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में इम्पोर्टर इसके ऑफिशियल इम्पोर्टर कौन है, जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, लीगली इम्पोर्ट कर रहे हैं। उन इम्पोर्टर्स का नाम आप गूगल पे सर्च करोगे तो काफ़ी होंगी, आपको वेबसाइट मिल जाएगी या आपको उनका फ़ोन नंबर मिल जाएगा। कई इम्पोर्टर्स की वेबसाइट होती है वहाँ पे आप डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, कई होती है जिनकी हो सकता है आप डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करने की फैसिलिटी नहीं हो, तो आप उनका नंबर निकाल के उनकी वेबसाइट से इंटरनेट से नंबर निकाल के उनका नाम सर्च करके आप उनके नंबर पर कॉल कर सकते हो और कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हो कि मुझे ये मंगवाना है, इसके ऑर्डर करने का क्या प्रोसीजर है। ये तरीके जिनसे आप खरीद सकते हो और जिनसे आपको खरीदना चाहिए। मैं इनमें से किसी को भी एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, मेरा चैनल अभी इतना बड़ा नहीं है कि इनमें से कोई भी मुझे पैसे दे खुद को एडवर्टाइज करने के। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया ताकि बहुत लोग हैं जो कि जिन्हें पता नहीं है कहाँ से खरीदना चाहिए और वो नकली माल खरीदे जा रहे हैं, तो उन लोगों को पता चल जाए कि हमें वहाँ से नहीं खरीदना है और यहाँ से खरीद सकते हैं, हम यहाँ से खरीद लेना चाहिए हमें, सिर्फ लोगों को नुकसान नहीं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखिए, और अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए। आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, बाय बाय।